चलिए देखिए, पढ़ाई लिखाई शुरू करें। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अच्छा ये बताओ, डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, क्या ये कंपलसरी है ये अपने एंगल को बाइसेक्ट करता है? कंपलसरी है या सिचुएशन पर डिपेंड करेगा? बताओ कोई बताओ, चुप्पी मत मानो, पांच छह सर लोग तो वही करता है, करता है। करता है। और कोई कोई इस पे टिप्पणी? हाँ सर, सिचुएशन पे होता है बेस्ट। और कोई कुछ टिप्पणी करो इस पे सर, बताओ। लेकिन जो हम लोग वो केस बनाते, कहीं भी सर ऐसा वो नहीं जो है। केस हो जिसमें एंगल हो 90 डिग्री आता है, उसमें तो सीधा एक एंगल को हम लोग बाइसेक्ट ही कर देते हैं ना। क्या करते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सर जब हम लोग एंगल ओ बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल एंगल ए जैसे हाँ, तो 54 लेकिन डिग्री उसमें, है हाँ, तो तो हम लोग, कंडीशन उसमें दिया हुआ रहता है ना कि उसका बाइसेक्टर अगर मिल रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तब लिखेंगे बाइसेक्ट कर रहा है, एल्स नहीं, जरूरी नहीं है करेगा। जी यस मांगी, सर। ठीक है, तो यस सर। ये भ्रम में नहीं रहना है कि जो उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है ये करता है, नहीं करता है। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। सिचुएशन दे देगा तब उस पे काम देखेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे एक था तुम्हारा थ्योरम उस दिन, देखो जैसे ये वाला थ्योरम था, कहाँ गया, हाँ थ्योरम जैसे 6 था, तो इसमें मेंशन किया हुआ था कि इफ इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इफ लगा दिया, समझ में आया ना? इफ का यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता ही तो यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत थी क्या? बताओ, बोलो। बोलो तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता ही करता है, नहीं करता है। चलो आगे देखते हैं इसमें फिर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन कराते चलेंगे, तुम लोग बनाते चलना। एक तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तुम लोगों को करा रखे हैं, बाकियों को ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया और ये डायगोनल हुआ, ये तुम्हारा 2A है, ये 3A एंड ये A 5A। तुमको निकालना है, ठीक है, एंगल निकालना है सारा, फटाफट निकालो, तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन 1, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ये निकालो तुरंत। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सर बन गया, कितना आया सारा एंगल? 54 और 90। कितना कितना? 56, कितना स्वयं बोल तो फिर से। 56, 54 और 90। और किसी का कुछ? यस सर, सेम है, सेम है सर। तुम क्या ये मैं इसके सारे एंगल की बात कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम के सारे एंगल की, ये पैरेललोग्राम एंगल। सर एक बार फिर से बोलिए ना, वो पूरा फोन एंगल आ गया। मैंने बोला पूरा एंगल निकालो, एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल बी कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना है, एंगल बी 90 आ गया, तो सारा 90 हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है, सारे एंगल अब अलग से मत निकालने लग जाना, तो बोल देना कि एक एंगल 90 हो गया, ये पैरेललोग्राम है, तो फिर वहां से लिखते चले जाना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आज सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, फिर अगले दिन इसके फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स ए एक्स कॉमा ए वाई बाइसेक द एंगल्स ए एंड सी, शो दैट ए एक्स पैरेलल टू सी वाई। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बनाते चलो। अब ये बोला है एंड लाइन सेगमेंट ए एक्स बाइसेक द एंगल ए, तो ए एक्स लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक कर रहा है, ठीक है, एंड ए वाई लाइन है, ए वाई लिख दिया, सी वाई होना चाहिए, सॉरी सी वाई बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। तुमको प्रूफ करना है ए एक्स पैरेलल टू वाई सी, करो तो एक मिनट, हम थोड़ा जुगाड़, हो गया, अच्छी बात है, यस सर, ठीक है एक मिनट। बन गया क्या? हेलो, बना क्या और किसी से? आगे बढ़े या डिस्कस करना पड़ेगा? चलो, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब बना ही लिया सब कोई, किसी को डाउट नहीं ना? सर हमको है डाउट। नहीं बना? नहीं। देखो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल ए और ये एंगल सी इक्वल होगा, बोलो। हाँ। ये दोनों बाइसेक्टिंग लाइन है, तो इसका हाफ, ये एंगल वन और ये एंगल टू भी इक्वल होगा। अब बताओ, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, उन दोनों का हाफ, यानी हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, और इसको वन टू, इसको थ्री और फोर बोलो, तो बोल सकती है ना एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर एंगल थ्री, बताओ। Yes, sir. अब देखो, देखना थोड़ा, ये तुम्हारा बी वाई लाइन को थोड़ा लिख, बी वाई और एक लाइन तुम्हारा सी एक्स हो गया ये, और एक ऐसा लाइन है सी वाई है, तो ये एंगल थ्री दिख रहा है तुमको, तो ये वाला भी एंगल थ्री होगा, तो हम यहाँ पे अगर इस एंगल को 5 अज्यूम कर ले पहले से, तो हम बोल सकती है कि एंगल 3 इक्वल्स टू 5 अल्टरनेट इंटीरियर से, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, होगा ना? तो हो गया कि नहीं दोनों पैरेलल? ये तुम्हारा और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू पैरेलल,
क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं फिर। बताई पापी है तेरे अतुल सर भाई, तो भेज दिए घर भर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इनको देखना पड़ेगा क्लास के बाद। देखो क्वेश्चन ये है, लिखो PQRS, क्वेश्चन लिखना हम बोल रहे हैं PQRS is a parallelogram PX and QY are respectively the perpendiculars from P and Q to SR and RS, respectively. Clear? Prove that PX equals to QY. Figure कुछ ऐसा है, फटाफट बनना चाहिए सबसे। PQRS ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया PX परपेंडिकुलर एंड QY कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तुमको क्या प्रूफ करना है? PX इक्वल्स टू QY करो फटाफट। ये क्वेश्चन करा रखे थे जी तुम लोग को। सर इसमें एरिया का फॉर्मूला यूज करना होगा क्या? एरिया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो, काम हो जाएगा। एरिया सर जैसे कि बताओ सर, एरिया ऐसे, सर एरिया इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो सर एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस हो जाएगा एसआर इनटू हाइट, हाइट फर्स्ट केस में पीएक्स होगा,
और सर क्योंकि सेम पैरेललोग्राम है तो एरिया तो सेम ही रहेगा, तो इक्वेशन वन हो गया हाफ इंटू एस आर इंटू पी एक्स इक्वल टू एरिया, और इक्वेशन टू हो जाएगा हाफ इंटू एस आर इंटू क्यू वाई इक्वल टू एरिया, तो इससे सर हाफ इंटू एस आर इंटू पी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू एस आर इंटू क्यू वाई, तो सर पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई, ठीक है वहां से भी चलेगा, एरिया से भी कर सकते हो और ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। आ गया सबको समझ में? आइदर तुम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी बना सकते थे और एरिया से भी इक्वल करते हुए निकाल लोगे, ठीक है आगे देख क्वेश्चन, फिर डिस्कस करने का नीड है क्या इसमें सर? हाँ बोलो। पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करेंगे तो सर थर्ड वाला नहीं मिल रहा, दो ढूंढ लिया, दो ढूंढ लिया, थर्ड नहीं मिला, क्या क्या ढूंढ लिया बताओ सर? पी एस इक्वल टू क्यू आर पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम, एक मिनट, पी एस क्यू आर पैरेललोग्राम, ठीक है आगे, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी एस एक्स इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई, फिर से बोलना पी एस, अच्छा ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, एक ये एंगल ही दोनों ना, हाँ ठीक है, और नहीं ढूंढ पाया, और नहीं ढूंढ पाया इसको, ऐसे दोनों 90 डिग्री है सर, यहाँ पे 90 है, हाँ तो लेकिन कोई एंगल एंगल साइड सुनी है क्या होता है? हाँ सर वो कोरोलरी होता है एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट कर पाएगी उससे सर? एस एस एक्स और आर वाई को इक्वल कर पाएंगे किसको? नाना वो दोनों कहां से इक्वल कर लेगा, सर ऐसे नहीं कर सकते है कि पी एस एक्स और क्यू आर वाई को इक्वल है ही, हाँ और एक्स और वाई भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल भी क्या जाएगा, एक्स और आर क्यू वाई भी इक्वल होगा, ओके तो एंगल साइड एंगल से, समझ में आया? अंशुल अंशुल पता चला कुछ? देखो एंगल एस और हाँ हेलो, हाँ बोलिए, एंगल एस और आर इक्वल है ना, हाँ और एक 90-90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल में तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो एंगल पी कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस एंगल एक्स, और एंगल क्यू कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस एंगल, एक मिनट, 90 यहाँ पे एस है ना, और एंगल आर, और एस और आर इक्वल है दोनों, हाँ तो दोनों इक्वेशन भी इक्वल होगा, हाँ तो एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल आ जाएगा, समझ गया सर, पक्का? हाँ तो ये करना था इसमें, चलो ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखना तुम लोग, ये क्वेश्चन तो लोग खुद से बना सकते हैं, बनाना घर पे ही, इसमें एक दो क्वेश्चन और भी अच्छा अच्छा कराए थे, हाँ तो ये क्वेश्चन था, ये शायद ये स्कूल्स वाले एग्जाम में पूछेगा, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखना, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम
PO and QO are respectively the angle bisector of angle P and angle Q. Line LOM, याद है सबको ये क्वेश्चन, is drawn parallel to PQ. Prove that number one, PL equals to QM, and number two, LO equals to OM. क्या है क्वेश्चन? PQR इस एक पैरेललोग्राम है, बना लो पैरेललोग्राम. ठीक है, ये तुम्हारा PQRS. और क्या बोला है? The angle bisector of P and Q. PO and QO are the angle bisector. PO and QO are the angle bisector. एक मिनट रुको, इसको थोड़ा अच्छे से बना दे. PO and QO क्या है? एंगल बाइसेक्टर है. और तीसरा फिर क्या है? लाइन LOM इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ. LOM बस अब प्रूफ करो, जो जो करना है प्रूफ बनाओ. सब कोई क्वेश्चन कराया हुआ था, बाकी से बनना चाहिए. कोशिश करो. सर बन गया. ठीक है, बाकी लोग ट्राई करने दो, बाकियों को भी.
स्वयं बनेगा स्वयं सानिध्य स्वयं बनेगा प्रवीण बताएं क्या ट्राई करोगे बताया जाए हिमांगी कैसे बनाई बताओ सर पैरेललोग्राम है तो एंगल पीओक्यू 90 डिग्री हो जाएगा क्यों 90 क्यों भाई अच्छा बोल रखा है बाइसेक्टर है हाँ ठीक है ये 90 ओके तो सर ये 90 हो जाएगा उसके बाद फिर इसीलिए एंगल एलओपी और एंगल एमओक्यू दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि सर हम लोग इक्वल 90 को दोनों जगह पर ऐड कर रहे हैं कैसे जैसे ये तुम्हारा एंगल वन हो गया ये एंगल yes, टू sir. तो सर उधर वन प्लस 90 और इधर 2 प्लस 90 कब पॉसिबल है दोनों का इक्वल होना जब एंगल वन और एंगल टू भी क्या हो इक्वल और है क्या एंगल वन और टू इक्वल सर ऐसे ही बनेगा ना लेकिन ना कभी तुम देखो जब तक एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल नहीं है तब तक तुम जैसे तुम्हारे पास एंगल वन में तुमने 90 ऐड किया और एंगल टू में भी 90 ऐड किया तो कंपलसरी है क्या ये दोनों इक्वल होगा सोचिए बताओ हिमांगी यस सर इक्वल होगा क्या नो सर जब तक एंगल वन इक्वल टू एंगल टू नहीं लिखे रहेगा तब तक हम नहीं कर सकते ये एंगल वन प्लस 90 और एंगल टू प्लस 90 इक्वल होगा समझी इक्लिड में यही पढ़ना है जब हम इक्वल में इक्वल ऐड करते तभी तुम्हारा रिजल्ट इक्वल आता है जब तक इक्वल नहीं मेंशन किया है तो आप नहीं कर सकते हो कि दोनों इक्वल होगा पता चला फॉल्ट यस सर ओके ट्राई अगेन ट्राई करो फिर से क्या है घर पे ट्राई करेगा क्या बता कितना बता दे क्या अरे बोलो बता दे या घर पे ट्राई करेगा छोड़ दीजिए सर भूल गया जी तुम लोग बता गधा क्वेश्चन ये करवाए थे हम क्लासरूम में
नाक कटवा देगा मेरा तू लोग। चलो कोई नहीं, रिवीजन होगा, अच्छी बात है। क्वेश्चन इसलिए दिया, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, ये दिख भी रहा होगा, देखो कैसे बनेगा ये। ध्यान देना सर, ये ए एस ए से बनेगा। ए एस ए, ए एस ए से, पता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या कैसे बनाए, फिर बताओ रीजन बताओ। सर हम आपको जगह बता देंगे कौन कौन सा होगा, रीजन अभी ढूंढ रहे हैं हम भी। जगह क्या क्या है बताओ। एक तो सर एंगल एल ओ पी इक्वल टू एंगल एम ओ क्यू होने वाला है। अच्छा, उसके बाद एंगल ओ पी एल नहीं, हाँ एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ क्यू पी इक्वल होने वाला है। फिर वो अब बेस एंगल इक्वल हो जाएगा तो ओपी और ओक्यू भी इक्वल हो जाएगा, तो ए एस ए से बनेगा। चल देखते हैं, पहला या दूसरा दोनों, देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है ना, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दे रखा है और तुमको क्या बोला है, लाइन एल ओ एम इज ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू। एल ओ एम भी क्या है, पैरेलल टू पी क्यू है, तो पी क्यू एल एम पैरेललोग्राम होगा या नहीं, रिस्पॉन्स यस और नो। पी क्यू एल एम या पी क्यू एम एल, पी क्यू एम एल पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा सर, होगा। पी क्यू एम एल जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो तुम्हारा पी एल इक्वल टू क्यू एम होगा, पहला प्रूफ। बताओ इसमें किसी को डाउट, किसी को भी डाउट इसमें नहीं है। अब ध्यान दो, ओपी और ओक्यू बाइसेक्टिंग लाइन दे रखा है, ओपी ओपी एंड ओक्यू बाइसेक्टिंग लाइन है, तो इसको एंगल वन ले ओ, इसको एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर। देखो हम बस यहीं पे दिखा दे रहे, तुम लोग का काम होगा अपना घर पे इसको आराम से बनाना। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे इसमें, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये वन और टू इक्वल हो गया और तुम्हारा थ्री एंड फोर इक्वल हो गया, ठीक है। वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, समझ रहे हो। बोलो, फिर इसको कोई एंगल एज्यूम कर लो, जैसे वन टू थ्री फोर हो गया, इसको फाइव लो और ये एंगल को सिक्स एज्यूम कर लो, तो बताओ वन और फाइव इक्वल होगा या नहीं, एंगल वन एंड एंगल फाइव इक्वल होगा। देखो सिर्फ इसमें एंगल, हाँ एंगल का ही झमेला है, बाकी कुछ नहीं है, हम उसको बस लिखते चल रहे। एंगल वन एंड फाइव इक्वल होगा, उसी तरीके से एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स भी इक्वल होगा। पहले एक ट्रायंगल पे देखते हैं, ऐसे देखोगे तो फिर दिक्कत करेगा। वन और फाइव इक्वल आया ना, एंगल वन और एंगल फाइव इक्वल, इसको इक्वेशन हम इसको आराम से एक ही जगह लिखते हैं। पहला तो प्रूफ हो गया, पहला में आसान था, पहला क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, ध्यान देना लिखते चल रहे अच्छे से। सिंस ओ पी एंड ओ क्यू आर द बाइसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टर of angle P and angle Q, तो angle 1 equals to angle 2, ठीक है, और angle 1 equals to angle 5, इन दोनों equation से angle 2 equals to angle 5 लिखोगे, बताओ। angle 2 equals to angle 5 लिखेगा ना, yes अब जैसे ही एंगल टू और एंगल फाइव इक्वल हो गया तो ट्रायंगल पीओएल कैसा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल पीओएल कैसा, आइसोसेलस, आइसोसेलस हो गया। तो पीएल, पीएल और ओएल इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, रिस्पॉन्स करते चलना भाई, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ एल, कौन से ट्रायंगल में, पी ओ एल में एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव, सो वी कैन से दैट साइड जो तुम्हारा पी एल है और साइड जो ओ एल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो दूसरा,
अब इस साइड इस ट्रायंगल पे ध्यान देना, तुम्हारा एंगल 3, इसको अच्छे से लिख लेना कॉपी में, इक्वल्स टू एंगल 4। अध्याय तेरा माइक खराब हो गया क्या या ईयरफोन? बहुत आवाज आ रहा है यार तेरी तरफ से। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको इक्वेशन 3, एंड एंगल 3 इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल 6, इक्वेशन 4। थर्ड और फोर्थ से वी कैन से दैट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। और जैसे ही एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हुआ तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, इसलिए वी कैन से दैट साइड ओ एम इक्वल्स टू एम क्यू, ओ एम इक्वल्स टू एम क्यू। और तुमने पहला प्रूफ ही किया था कि पी एल और क्यू एम क्या है, इक्वल है। जब पी एल इक्वल्स टू क्यू एम ये तुमने प्रूफ कर दिया है, तो यहां से ओ एम इक्वल्स टू पी एल लिख सकते हैं ना, और ओ एम इक्वल्स टू पी एल जैसे ही हुआ और पी एल इक्वल्स टू ओ एल हुआ, तो इन दोनों से इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से बोल देंगे पी एल ओ एल इक्वल्स टू ओ एम। बाउंस मार गया या समझ में आया? बाउंस मारा, यॉर्कर था या कुछ भी नहीं पता चला, बताओ। टेल, एनी डाउट? डेड बॉल, डेड बॉल हो गया, कहां तक नहीं समझ में आया बताओ। सर इतना आसान है सर, समझ आ गया। पहले बताओ कितने को समझ में नहीं आया, फिर से बताने की जरूरत है क्या? बोलो अध्या, अंशुल। हाँ सर समझ गया। अंशुल, अच्छा ठीक है, अंशुल बोल दिया समझ गया। अध्या? यस सर। हिमांगी? यस सर। प्रवीण? सानिध्य? यस सर। समझ में आया जी? आ गया। चलो ठीक है, फिर समझ में आ गया तो एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस करना अपने कॉपी में थी, और मेरे बनाने पे मत छोड़ देना, एक बार तुम लोग भी खुद से बना लेगा। और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम करवा ही देंगे। बाकी बेसिक क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाते रहना, इसमें ये अभी सिर्फ पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कराए सारा का सारा। एक दो क्वेश्चन और भी है यार जो कि नहीं पूछेगा तुम लोग से स्कूल्स वगैरह में। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसको तुम लोग सॉल्व कर जाना। इस चैप्टर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना जाना, वो इनफ है तुम लोग के लिए। एनसीईआरटी से ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं होगी तुम लोग को। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। अभी ज्यादा कुछ सॉल्व मत करना, पहला एक्सरसाइज देखना सॉल्व करके सॉल्व हो पाता है या नहीं, उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड थर्ड पे मूव करेंगे उसमें से। इसमें और तो कोई उतना अच्छा क्वेश्चन, कोई खास क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको घर पे ट्राई करना। देखो तुम लोग अगर आर एस अग्रवाल रखा है या जो भी बुक रखा है अभी अपने पास, उसके एक्सरसाइज और एग्जांपल जरूर बनाना। ज्योमेट्री में सारा का सारा एग्जांपल भी नेसेसरी है, इसलिए एग्जांपल मत छोड़ना और एनालाइज करो। पहले ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट बनाने मत लग जाओ, सोचो पहले उस पर थोड़ा क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही मत बनाने बैठ जाना। और हिमांगी ये समझ गई ना, इक्वल है तभी तुम इक्वल ऐड करेंगे तो रिजल्ट इक्वल आएगा, ये नहीं कि ऐसे कुछ भी ऐड कर दे तो इक्वल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये घर पे ट्राई करना इसको। द डायगोनल्स, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी intersect at O, a line through O intersect AB at X and DC यहाँ पे and DC at Y. Prove that
OX equals to OY, ठीक है, the diagonal parallelogram ABCD intersected at a line through O intersect AB at X, बना लेना इसका डायग्राम खुद से, हम नहीं बना रहे, या बना दे डायग्राम, देखना डायग्राम बना के तुम लोग, बन जाएगा सबसे, भी एरिया यूज कर सकते हैं, जैसे बनाओ, बस रीजन मेरे लिए ये होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, ओके सर, ज्योमेट्री में तुम लोग को फ्रीडम है अपने अकॉर्डिंग आंसर बनाने का, बट सुटेबल विद सुटेबल रीजन, ये नहीं कि कुछ भी कर दे और आंसर ले आए, वो काम मत करियो, ये क्वेश्चन कर लेना, और कुछ क्वेश्चन है पैकेज में वो भी बहुत सही है, उसको भी देख लेना, कहा गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में देखो कुछ एग्जाम्पल है वो करते चलना तुम लोग, भी तो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो नेसेसरी हो, ये भी तुम लोग को करा ही दिया अभी, ये मैंने शायद 8 में किसी को ऐसा डाउट दिया था, मुझे जहां तक याद है, बस 8 में कोई पूछा था ये क्वेश्चन, तुम लोग का काम होएगा, हो गया एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज सर, एरिया से बन गया, बन गया ठीक है, ये बनाना, बस अभी एक ये देख लेना, क्वेश्चन नंबर 32 सर, स्लाइड 32 है, मेरे को पूरा ढूंढना पड़ जाता है बुक में, तो क्या कर सकते हैं सर बता दीजिए, इधर उधर लोकेशन, पेज 32 बोले तो सर, मेरे को उसमें मॉड्यूल में ढूंढना पड़ जाता है ना, इधर उधर है पेज, अच्छा अब हमको क्या पता कहाँ पे मिलेगा, मेहनत करो, और इसमें क्या क्या बना सकते हो तुम लोग, बाकी यार ये सब बेसिक क्वेश्चन है, खुद से आराम से बनेगा तुम लोगों से, सर होमवर्क क्या है दिखा रहे बिल्कुल, पहले और देख रहे हैं और क्या बना सकते हो, ये सब आसान सा क्वेश्चन है, ये सब तू लोग बना लेगा ना, देखते चलो, टू एंगल ऑफ पैरेललोग्राम यार ये तो बन जाएगा, इन एंड टू थर्ड ऑफ इंटरसेक्शन एंगल ये भी बना ही लोगे, ये सब छोड़ देना मत बनाना, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल इफ वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ये भी बना लेगा तू लोग, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल डी इतना है, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा, सारा बन जाएगा, 6 नंबर भी कर ही लेना, हो जाएगा तू लोग से, ये देख लेना 8 नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 8 नंबर 31 स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अगर पेज ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 31 इसको बना जाना, और क्वेश्चन 8 के बाद The side of AB and CD, ये भी कर लेना 13 and section C का question 1, अभी इतना ही पढ़ा है, इतना ही बनाना, ज्यादा मत तकलीफ उठाना, आगे जो पढ़ाएंगे ना वो ज्यादा जरूरी है, उसपे बहुत सारे क्वेश्चन राइज होगा, तो करते चलना, ये सब बता देंगे फटाफट, जब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे तब ये सब बनेगा, ठीक है, अब ये तीन दो तीन इससे करना, और जो क्वेश्चन एक लिखवाए वो कर लेना, और दैट्स इट, इतना ही करके आओ, फिर अब हम लोग मेन चैप्टर पे इसे मूव करेंगे, जो भी तुम्हारा वो रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और तुम्हारा एनसीईआरटी में होगा कुछ ऐसा, पता नहीं, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तुम लोग भी लिख लो, ध्यान दे देना इस क्वेश्चन पे थोड़ा, क्वेश्चन ऐसा था उसमें कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा होता है, एनसीईआरटी में है या नहीं है कुछ इस कंसेप्ट पे, लेकिन एक क्वेश्चन है हमको याद है वो, एबीसीडी ट्रेपेजियम नहीं है जी, क्वाड्रिलेटरल है, याद रखना, बन गया ट्रेपेजियम बट एक क्वाड्रिलेटरल है, और फिर शायद ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ रहता है, ठीक है,
तुमको प्रूव करना होता है और एक एडी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, एडी और बी सी इक्वल दिया रहता था। हाँ याद आया कुछ, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल था, याद रखना ट्रेपेजियम नहीं है, जिसमें तुम्हारा एडी इक्वल टू बी सी दिया हुआ रहता है, एडी और इक्वल टू बी सी रहता था, और फिर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना होता था। नहीं ये तो कंस्ट्रक्शन में आ जाता था, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, ये तुम लोग अब खुद करना थोड़ा। ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें हिंट दिया हुआ रहेगा तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, वहां से वो हिंट देख के समझ लेना, ठीक है। तुमको इसमें प्रूफ करना होता था एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूफ करना होता है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। इसमें कंस्ट्रक्शन है, हिंट दे दे क्या बताओ, कंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन ये करना, ए बी को एक्सटेंड कर देना, ए बी को आगे थोड़ा एक्सटेंड करना, और यहाँ पे ए डी के पैरेलल एक लाइन बना लेंगे हम लोग, जो कहीं तुम्हारा पॉइंट ई पे मीट करता हो, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन किए, ए बी को एक्सटेंड किए पॉइंट ई तक, क्लियर, एंड ड्रॉ अ लाइन सीई, सीई पैरेलल टू ए डी। अब बना के आना इसको, क्वेश्चन आया समझ में क्या है आखिरकार बताओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलो। इसमें मैंने ये बोला कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ए बी पैरेलल टू, सॉरी एक ये भी दे रखा है, गिवन इसमें है, गिवन है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे गिवन, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि ए बी को, ये हिंट हम दे दे रहे हैं क्या करना है, ए बी को आगे प्रोड्यूस करना, क्या करना है, ए बी को आगे प्रोड्यूस करना जहां तक जाए, जैसे क्या किए हम कंस्ट्रक्शन में, ए बी को आगे प्रोड्यूस किए और एक लाइन ड्रॉ किए जो कि ए डी के पैरेलल हो, ए डी के पैरेलल हो, एक लाइन ड्रॉ किए, अब जहां पे दोनों लाइन मीट कर जाए उसको हमने पॉइंट ई एज्यूम कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखना, एक्सटेंड ए बी एंड, लिख लोगे कंस्ट्रक्शन ना, क्लिक लेना खुद से, ए बी को एक्सटेंड करना और एक सी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना ए डी के, और जहां पे दोनों लाइन मीट करे ए बी को एक्सटेंड कर दो एफ तक, ऐसे लिख लेना, एक्सटेंड ए बी एट एफ, एक्सटेंड ए बी टिल एफ या एट एफ, एंड ड्रॉ, एंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट सी पैरेलल टू ए डी, पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट ए एफ, ए एफ या बी एफ लिख लो, ए बी एफ एट पॉइंट ई, ठीक है, एट पॉइंट। सर इसमें प्रूफ क्या करना है? हाँ बता रहे, एट पॉइंट ई, ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, और टू प्रूफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, आसान है, बहुत ही आसान है, कर लेना। तो इतना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन और तीन मैंने तुम्हारा पैकेज से दिया वो करना, और जो असाइनमेंट हम कल भेजे तो उसको बनाना, उसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी सब तुम लोग उन सब भी बना जाओगे आराम से, हम उस पर कुछ शॉर्टकट अगर कुछ होता है तो कभी बता दिया करेंगे क्लास क्लास के बीच में, ठीक है। तो उसमें से ये सब क्वेश्चन जरूर से बना लेना,
इसमें से तुमको मार्क करा दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन जो एकदम नया होगा तुम्हारे लिए, मे भी कुछ लोग बना रखा होगा बट देख लेना। ये सब तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 क्लास 8 में फॉर्मूला पढ़ा होगा नंबर ऑफ डायगोनल का, वहां से निकल आएगा। कुछ क्वेश्चन मे भी करेक्ट ना हो, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एरर होगा, मे भी कुछ क्वेश्चन में होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ करना। कितना क्वेश्चन बना स्वयं तुमसे? स्वयं और कोई नहीं ट्राई किया इस पे, थोड़ा भी नहीं? अदया, अदया कुछ भी नहीं ट्राई की? अंशुल? यस सर। अंशुल? हाँ सर। सर अभी नहीं किया सर। कुछ भी नहीं किया है? नहीं सर, कुछ बोल रहे थे सर। कितना क्वेश्चन बनाया है सर? मेरे से 22 बना, और मतलब दो क्वेश्चन था ना, वो मैं हिडन ट्रायल से बनाया। 22 के पास 29 हो गया है मार्क, आधा नींद में काम करने से ही हो जाता है ना। हाँ, कौन सा क्वेश्चन सर? एक ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन नहीं था जिसमें वो निकाला था, वो मैं हिट एंड ट्रायल से बनाया हूँ, इसीलिए मेरे को लग रहा है उसका और कोई भी प्रोसेस हो सकता है। कौन सा? यस सर, उसका आंसर आ गया लेकिन 4 नंबर। अच्छा अच्छा ठीक है। यस सर, वो मैं हिट एंड ट्रायल से निकाला हूँ। पहले सब कोई बना के देखो क्या होता है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। -20 एक्सपेंडेड इन 30 होगा। ठीक है सर, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है सर ऐसा। बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसा क्वेश्चन तो ढेरों देंगे तुम लोग को। इसका तुम्हारे स्कूल के कौन से बुक में मिल सकता है बुक? फिर अब तुम क्यों हमेशा बुक के पीछे जान दे रहे? हम दे रहे हैं ना तुमको ऐसा क्वेश्चन। मेरे पास बहुत सारा ऐसा असाइनमेंट पड़ा हुआ है सर। आप 10-15 ही दे रहे हैं। 10-15 पहले कर ले, उससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये सब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है जो कि कोई बुक्स वगैरह में उतना नंबर सिस्टम का कोई, देखो नंबर सिस्टम सबका कमांड हो जाए ना, ये बहुत ही टफ काम है। नंबर सिस्टम में इतने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हालत खराब हो जाती है। तो नंबर सिस्टम में नया नया क्वेश्चन कुछ भी अराइज हो सकता है। यस सर, इसलिए हम अभी चाह रहे हैं नंबर सिस्टम वाला पार्ट तुम लोग अच्छा करो। एक तुम लोग को PDF भी भेजे थे जिसमें शॉर्टकट्स वगैरह भी दिए थे ना, तो देखते रहना कुछ कुछ और कुछ देखेंगे तुम लोग के लिए जुगाड़ कुछ करते हैं। तो एक नंबर सिस्टम का मेरे पास पैकेज है, इसको देखते हैं तुम लोग को भिजवा के कभी। चलो ठीक है, ये सब कर लो, फिर आगे क्लास में आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। ठीक है, चल बना के आना उतना, फिर जो बच रहा है थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे।